हमारे लोग दल को ना हारे हाँ। हारी ना हम वोट देते नहीं है हाँ। बैठी काल बेईमान की बहुत बड़े इंदिरा में कहा ठीक है हमने मदद नहीं हमने मदद योगी जी आ रहे लौट हाँ पक्का मायावती आनी है ओ पलटेंगे तो ना कहते पलट या बीजेपी ना देंगे हम कह रहे बीजेपी को ना देंगे कोई भी बीजेपी ही देंगे योगी आवेगा और मोदी आवे उसकी बननी चाहिए सरकार योगी की मारते जीते वो श्याम कोई कितने प्रयास कर लो बाबा ही आएंगे दो साइड में दो बाबा ही खड़े और दोनों बाबा अलग कह रहे हैं ये बाबा आएंगे एक ये बाबा आएंगे ये तो कह रहे हैं कि लोक दल आएगा ना लोक दल आवे को तो पर आवे को बाबा अच्छा मुख्यमंत्री बाबा ही बने वो और सब देश लूट के खाए गए महंगाई कितनी है गई है कई आवे को बाबा और कई आवे को मोदी हाँ जब 500 रुपए की बोतल पीसे गए आदमी तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल कोई महंगो ना आए तो ऐसे लोग परेशान है जो गलत है वो परेशान है जो सही आदमी है कोई परेशान ना है या देश का योगदान है शराबी चला रहे हैं या देश है उनने कहा आंदोलन करोगा बताओ देखो वो 500 की पी के योगदान कर रहे हैं देश को और मैं 100 रुपए पेट्रोल फूक के देश का योगदान कर रहा हूँ सामने भैसा बराबर है। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। कहाँ से आई है? खानपुर से। खानपुर हाँ। क्या लग रहा है आपकी बार कौन की सरकार अच्छी होनी चाहिए? मोदी की नहीं होनी चाहिए ना योगी की होनी चाहिए ना कब कौन की होनी चाहिए? मायावती आनी चाहिए। हाँ मायावती क्यों आनी चाहिए? बढ़िया काम करे माने। हाईवे लेकर दिए दुनिया भर बड़ो अच्छे नी के इनके सुई ठुकवा रहो की मोदी है अच्छे नी के इनके सुई ठुकवा रहो अच्छे बीमारी की बीमार कर दिए खुद लोकदल पक्का जीत पाओगे? जीतेंगे जीतेंगे ना पक्का पक्के जीतेंगे हम हाँ लोकदल पूरी पावर से आवे आवे कृष्ण हाँ हर बार हल्ला मचाते रहते आवे अब क्या आवे को अब क्या आवे को जयंत चौधरी हमारे लोकदल को ना हारे हारी ना हम विधानसभा तक तो पहुँच नहीं पा अरे कोई मन जाओ हम तो ना हारे वोट वाइयो देंगे बाबूजी आपने सब लोगों की राय देख ली आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया आदमी आना चाहिए कौन योगी योगी वोट देते नहीं है हल्ला मचा मचा के खत्म कर दे खत्म बोला अरे योगी है कि लॉकडाउन लोगों एक रुपया की चीज 6 रुपया हम बेचेंगे लोग तो बेईमान करो ऐसे ही बेईमान की बहुत बड़े इंदिरा में कहा ठीक है ये बहुत बड़े इंदिरा में ये आपका प्रमाण है हम दे रही यहाँ ये सब वृंदा ने तुम इंदिरा के उपन्ने हो हाँ सब वृंदा ने कर रहे हो कब गया मिल जाओ कब आम मिल जाओ ताऊ जी ये तो ये कह रहे कबू वहाँ में मिल जाओ कबू यहाँ में मिल जाओ मेरा तो ईमान ही अलग कर दिया काय को अरे ईमान जब ऊपर ही ना तो हम पे कहाँ जाओ बाबू जी कह रहे ऊपर वाले हमने मदद दे हमने अपने ने कबू नहीं मदद दे पक्का योगी जी आ रहे लौट हाँ पक्का विश्वास कैसे है विश्वास वोट पर वोट पर क्या लग रहा है शर्मा जी अब की बार किसकी बननी चाहिए सरकार सरकार महंगाई जो कम करे वाकी बननी चाहिए जो पाई भैया भाई को सगे ना वो जनता का भलो करेगो देश का भलो करेगो वन सत्यानाश उड़ा दियो डीजल महंगो पेट्रोल महंगी गैस महंगी और सेठ लोग तो बड़ाई यूँ कर रहे हैं आरोप तो रामचंद्र जी पे भी लगा दिया था सेठ लोग तो यूँ बड़ाई कर रहे हैं कि इनके इनको भैया आरोप तो रामचंद्र जी राम जी पे भी लगाया देख रहे हैं 10 रुपया बिंडल 50 रुपया हम बिके लॉकडाउन में हम तो यूँ बड़ाई कर रहे हैं बिंडल पीना जरूरी होगा गुटका बिके भैया दांत तो तुम्हारे कह रहे हैं हाँ हमें तो खा में पी में अब क्या जरूरत है मोदी कंपनी ने बंद करवा दे सब बंद कर देंगे तुम खाओगे तो कंपनी चलती रहेगी और सब वेरी गुड बहुत अच्छी बात बनिए नहीं सरकार तो हती है हम का बात है कितनी है उम्र है मेरी 50 साल हाँ आप युवा है हाँ हाँ युवा है हाँ ऐसे ही राहुल गांधी 52 साल के युवा है मायावती बढ़िया यहाँ तो मायावती आ भाई अभी पलट गए तुम तो मायावती आने कही तो पलट गए मायावती आनी है ओ पलटेंगे तो ना कहते पलट गए या बीजेपी ना देंगे हम कह रहे बीजेपी को ना देंगे कोई भी बीजेपी ही देंगे योगी आवेगा और मोदी आवे बिल्कुल ये तो कह रहे बीजेपी ना है बाकी कोई हाँ बीजेपी आवेगी भैया जी क्या नाम है चंद्रपाल
चंद्रपाल। अरे खाना वाना नहीं खाया क्या? खा लिया। अरे तो थोड़ा तेज बोलो ना। अच्छा बताओ, तो किसकी बननी चाहिए सरकार? योगी की। क्यों? योगी बनेगो, कोई कितने प्रयास कर ले योगी ना रोक सके कोई, और मारते जीते वो श्याम, मारते जीते वो श्याम, कोई कितने प्रयास कर लो और सरकार बनेगी योगी की। अब सरकार कैसे बनेगी, तुम तो बसपा का विधायक जिता रहे हो। हाँ विधायक बसपा को जीतेगो और सरकार योगी की बनेगी, कैसे बनेगी? मारते विधायक श्याम होगो, काई पना रुक रो, कितने जोर लगा लो, कोई कितने जोर लगा लो। तो सरकार योगी की क्यों बननी चाहिए? की बनेगी सरकार, क्यों बननी चाहिए? बनेगी योगी की सरकार, क्यों बननी चाहिए तो बता। बड़ी आदमी है और का है, काम करें वाने। पेट्रोल तो इतनी महंगी हो रखी है। पेट्रोल तो होगी महंगी, अब चुनाव है और ज्यादा होगी, कोई सरकार आ जाइयो, कोई सरकार आ जाइयो, जब पेट्रोल तो फिर और महंगी होगी। भैया को कोई फर्क ना पड़ता भाई, पेट्रोल तो खर्च ही नहीं करता। ना ना हमें पेट्रोल की जरूरत ही ना है। ये किशन चंद है, किशन चंद। हाँ क्या लग रहा है माहौल अब की बार? माहौल है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भाजपा। हाँ क्यों, वही करेगी सरकार। क्या नाम है भैया जी? भैया मेरा नाम तो ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश है। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है आपकी बार? बाबा ही आएंगे, बाबा आएंगे। दो साइड में दो बाबा ही खड़े हैं और दोनों बाबा अलग कह रहे हैं। ये बाबा आएंगे, देखो ये बाबा आएंगे। ये तो कह रहे हैं कि लोकदल आएगा। ना लोकदल आवे को तो होते, पर आवे को बाबा। अच्छा मुख्यमंत्री बाबा ही बने वो, मतलब क्यों बनेंगे बाबा मुख्यमंत्री? बाबा जो बनेंगे देश बढ़िया चला रहे, बढ़िया चला रहे सब चीजें और सब देश लूट के खाए गए। महंगाई कितनी है गई है, कहीं आवे को बाबा और कहीं आवे को मोदी। क्या नाम आपका? बॉबी वासनी। तो बॉबी जी क्यों नाराज हैं आप मोदी जी? महंगाई से नाराज हैं, महंगाई थी 1 रुपया उस होता 5 रुपया में है को, पेट्रोल डीजल कहाँ थे कहाँ पहुँच गई। 8,000 रुपए कमाओगे तो महंगाई तो आवेगी। जब सरसों 8,000 रुपए कमाओगे तो महंगाई तो आवेगी। कहेंगे किसानों को माल नहीं खरीद। बताओ मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 100 रुपए लीटर की तो बोतल, जब 500 रुपए की बोतल पीसेगे आदमी तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल कोई महंगो ना आए। कौन से वाली पेट्रोल? पेट्रोल जो गाड़ी चलेगा है। 500 रुपए वाली बोतल जो आते आदमी चलेगा है। 500 रुपए वाली बोतल कौन सी है? वो 500 भाई तो वही है आरएस की है, जो 500 की है तो पी सके, पर 100 रुपए पेट्रोल के लिए देता चलना चाहिए। 700 की है, 700 की है। हाँ जी, तो ऐसे लोग परेशान है, जो गलत है वो परेशान है, जो सही आदमी है कोई परेशान ना है। अच्छा शराब का रेट बढ़ता है तो कोई चिल्लाता नहीं है, ऐसा क्यों? या देश का योगदान है शराबी चला रहे हैं या देश है? उनने कहा आंदोलन करोगा? बताओ 2000 की बोतल ले जान दो, कोई आंदोलन ना होगा। ये गैस के सिलेंडर पे ले जान दो, पब्लिक नगर भरेगी। टमाटर पे जरूर नगर भरेगी। सिलेंडर पे का यार, इतनों का सिलेंडर 1,000 रुपया को है, कौन सा तेरे आंदोलन करो बता तो दे। 2013 में 2014 में लिस्ट निकाल के देख लो, 1241 रुपए का सिलेंडर बिको है, बिको या ना बिको बता दो। मैं तुम 2013 में 2014 में 1241 रुपए को पर्ची हम दे देंगे यहाँ पे। बासठ साहब कह रहे हैं कि 500 की दारू हो जाए तो उस पर नहीं आंदोलन होता है, पर पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ जाए तो आंदोलन हो जाता है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है आंदोलन पेट्रोल पे? के डेली पैसा बढ़ रहे हैं, करे कौन रहो या नहीं करो है के, और का उन्हें करो है पेट्रोल पे। पेट्रोल साहब जब चलाओगे अपनी सुविधा के लिए चलाओगे तो यूज करोगे, तुम दारू पीएंगे तो वो अपने लिया करेंगे। हम कहा बात है, 1,000 ही चुना जाओ भाई, पीनी है तो 1,000 ही चुना जाओ, टैक्स हो जाए। पेट्रोल भी तो ऐसे ही है, तुम जाओगे कहीं क्या मत बोले बात है। देखो वो 500 की पी के योगदान कर रहे हैं देश को, और मैं 100 रुपए पेट्रोल भूख के देश को योगदान कर रहा हूँ। साहब में हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है। सरकार वहाँ में तो जहाँ 500 रुपए टैक्स की 700 रुपए की बोतल है ना, वहाँ में थे कम से कम 500 रुपए जहाँ सरकार को वहाँ, और यहाँ में थे सरकार को पेट्रोल में थे तो 20 रुपए जा रहे हैं, तो सरकार घाटे में है या ना है? तो कर देनी चाहिए पेट्रोल है तो तुम्हारी बात आ रहे हैं, तो जय योगी महाराज की। यहाँ के लोगों की जनता की राय देगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद जय भारत।